चलिए तो मैं आपका अब वेलकम करती हूँ आज के इस थर्ड एपिसोड में, जिसमें कि हम बहुत ही सिंपल दो वर्ड्स के बहुत सारे तरीके हम सीखने वाले हैं, विच आर ओके एंड नो। वैसे तो हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में ओके एंड नो का इस्तेमाल बहुत ही कॉमनली करते हैं, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में हम ओके को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि हम उसी एक सेम वर्ड को तकिया कलाम की तरह हम बोलते जा रहे हैं। एंड कई बार बहुत ही मोनोटनस या फिर बहुत ही बोरिंग लगता है जब आप ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखने का मकसद ये होना चाहिए कि आप उसे सही तरीके से और एक बेहतरीन तरीके से बोल सकें। वरना इंग्लिश तो सब बोल लेते हैं, लेकिन इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलना मेरा मोटिव है यहाँ पे, कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो भी मेरी वीडियोस देखें, वो एक्चुअल में एक इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल सकें, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस भाषा का इस्तेमाल कर सकें। तो ओके एंड नो जैसे शब्द जो हैं हम बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें ये सीखना है कि इन दो वर्ड्स को ही अगर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के साथ कैसे बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया एक इम्पैक्ट पड़ेगा जिसके भी सामने आप ये वर्ड्स बोलेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप एक लर्निंग स्टेज में हैं इंग्लिश के, एंड एक बहुत ही एक अच्छा इम्प्रेशन आपका बनेगा। सो स्टार्ट करते हैं इन सब सिचुएशंस को हैंडल कैसे करना है नेक्स्ट टाइम से, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ओके, तो सबसे पहले हम ओके को ही सीखते हैं। तो अगर मुझे किसी को बोलना है कि हाँ आपको कोई टास्क दिया गया, फॉर एग्जांपल आपके सीनियर्स ने आपको कोई टास्क दिया, तो आपको अग्री करना है, आपको ओके बोलना है ना। तो एक ब्लैंड सा ओके बोल देने से तो सब बोल देते हैं, बट आपको एक इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स देना है तो आप कैसे बोलोगे, तो आप ओके दैट विल डू बोल सकते हो, और इसका मतलब सिंपल यही है कि भाई ओके कर देंगे हम। ओके, तो नेक्स्ट आप कैसे बोल सकते हो कि ओके फाइन। ओके फाइन का मतलब अच्छा ठीक है। उसके बाद श्योर, नो प्रॉब्लम, यानी कि बिल्कुल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक और तरीका हो गया। और इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप जो हैं वो ऑफिशियली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी मीटिंग में हैं, या आप किसी इंटरव्यू में हैं, या आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, तो उन सिचुएशंस में अगर आपको किसी चीज़ को अग्री करना है, या आप किसी की बात सुन रहे हैं और उस दौरान आप ओके का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इनके थ्रू भी अपनी अग्रीमेंट या उस वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब श्योर भी अपने आप में एक अग्रीमेंट है, या एक प्रोसेस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओके। यानी कि अगर आप ओके ना इस्तेमाल करके आप श्योर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो भी एक इम्प्रेसिव स्टेटमेंट बनती है। अब सर्टनली यानी कि श्योरली, यानी कि श्योर कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, श्योरली को भी मैंने इंक्लूड किया है आपने देखा, और सर्टनली, श्योर, ये सब जो वर्ड्स हैं बेसिकली ये अग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर आप एक प्रोसेस में हो, फॉर एग्जांपल आपसे कोई बात कर रहा है, राइट, आपसे वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, एंड उस दौरान आप ओके बोलते हो, तो श्योर भी एक अच्छी स्टेटमेंट है। या उस प्रोसेस में आप आप सुन रहे हो तो अब करते हैं, तो हम के जगह ओके बोलते हैं या फिर ठीक है बोलते हैं, तो उन सिचुएशंस में आप श्योर, श्योरली, सर्टनली, अग्रीड, वेरी वेल, ये सब वो स्टेटमेंट्स हैं जो एक इम्प्रेसिव स्टेटमेंट को दर्शाते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं। सो एक इम्प्रेसिव इंग्लिश बोलने का तरीका यही हो सकता है कि एक ब्लैंड स्टेटमेंट ना इस्तेमाल करके एक बेहतरीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना। तो डन, ऑल राइट, फाइन, यस, या, ये सब वो वर्ड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट
एक अच्छा इम्प्रेशन आपका सामने वाले के ऊपर बन सकता है। एंड इन केस ऑफ स्पेशली इंटरव्यूज़ में वो आपकी अगर इंग्लिश को जज कर रहे हैं तो वो इस चीज़ को भी जज करेंगे कि आप इंग्लिश कितनी इम्प्रेसिव बोल सकते हो। तो वहाँ पे आपके डेफिनेटली डेफिनेटली इम्प्रेसिव पॉइंट्स बनने वाले हैं, क्योंकि आप एक ब्लैंड स्टेटमेंट नहीं बोल रहे हैं बल्कि आप एक बेहतरीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑफिशियली जो है वो ओके दैट विल डू या ओके फाइन, ओ श्योरली, नो प्रॉब्लम, श्योर, सर्टनली, डन, ऑल राइट, फाइन, वेरी वेल, अग्रीड, श्योरली, ये सब जो हैं वो ऑफिशियली इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात स्टार्ट होती है यस के बाद से। तो अगर आप यस बोल रहे हैं वो स्टिल एक एक्सेप्टेबल सिनेरियो है जहाँ पे आप यू नो आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं ऑफिशियली किसी इंटरव्यू में या किसी मीटिंग में। लेकिन या जो है, यानी कि वाई ई ए एच विच इज़ या, तो इसका इस्तेमाल आप अगर ना करें या फिर आप कम करें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ मिलेनियल लैंग्वेज में इसको काइंड ऑफ इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि इन एक्चुअल या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करने वाली चीज़ नहीं है। इसको आप इस तरीके से ले लीजिए कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं या अपने कलीग्स के साथ बात कर रहे हैं तो उस दौरान आप या का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक ईमेल में या फिर एक जगह पे जहाँ पे आपकी इंग्लिश को जज किया जा रहा है तो वहाँ पर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, या इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूँगी कि आप या वर्ड का इस्तेमाल करें। सो और यप एक मिलेनियल लैंग्वेज का हिस्सा है। सो ये यस को ही यू नो हम टर्न एंड ट्विस्ट करके हम यूज़ करते हैं, एंड ये काइंड ऑफ उसी से ओरिजिनेटेड वर्ड्स हैं, बट इन एक्चुअल में इसको काइंड ऑफ ऑफिशियली एक्सेप्टेबल मैं नहीं मानूंगी। मेरी ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ये बहुत ही अनऑफिशियल सिचुएशंस में, जब हम किसी कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर के साथ बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप टू साउंड कूल आप यू नो इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर लेते हो, स्पेशली ड्यूरिंग चैटिंग। तो उन यू नो सिचुएशंस में आप इनका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हो, बट ऑफिशियल में प्लीज़ अवॉइड यूजिंग दीज वर्ड्स, या प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा इस्तेमाल करना। सो ओके को हम कवर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट इज नो। सो स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट कौन से तरीके हैं जिससे हम नो बोल सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन है कि आप किसी इंटरव्यू में हैं और आपके सामने जो आपके एचआर हैं, या जब टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो रही हैं, या फिर कोई टास्क डिस्कस हो रहा है जिसमें आपको जो है वो रिफ्यूज़ करना है, आपको मना करना है, तो उस सिचुएशन में आपको रूड नहीं होना है, क्योंकि आप एक ऑफिशियल सिनेरियो में हैं या आप एक ऑफिशियल सिचुएशन में हैं जहां पर रिफ्यूज़ करना एक रूड बिहेवियर की यू नो रिफ्लेक्शन होती है। सो आपको वो अवॉइड करना है, क्योंकि आपको अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाना है। इन दैट केस आपको उन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रूड ना हो और स्टिल आप अपना स्टैंड रख सकें। अब वो स्टेटमेंट्स क्या हो सकती हैं? सबसे पहली है कि सॉरी बट नो। अब यहाँ पर है कि आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन समझाई गई जिससे आप अग्री नहीं करते, उस केस में आप अपोलोजाइज करते हुए, आप सॉरी बोलते हुए आप अपना स्टैंड रख देंगे कि नो, सॉरी बट नो। अब दूसरी स्टेटमेंट है कि आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अग्री टू दैट, मतलब कि माफ़ी चाहते हैं लेकिन हम इस बात से अग्री नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल ये कब एप्लीकेबल हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई यू नो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिनेरियो है जहाँ पर यू नो किसी पर्टिकुलर टास्क को लेकर अकाउंटेबिलिटी या फिर किसी चीज़ की जवाबदेही मांगी जा रही है, और
आपको या आपसे किसी चीज़ की अग्रीमेंट मांगी जा रही है, तो उस केस में अगर आपको मना करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आप उस सिचुएशन में इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू नो काइंड ऑफ रिलेटेबल आप उस तरीके की सिचुएशंस में इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो एक अच्छा यू नो यूज़ होगा इंग्लिश का, और आपको आपका जो एक होराइजन है वो बढ़ेगा। सो इन दैट केस आप बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड, आई कैनॉट अग्री टू दैट, या फिर आई अपोलोजाइज बट आई कैनॉट डू दैट, या फिर आप बोल सकते हैं अपोलोजीज बट माई आंसर इज नो, या फिर आई हेट टू से बट आई कैनॉट डू दैट। ये चारों ही सिचुएशंस एक ही बात बोल रही हैं, और आप अपना स्टैंड भी इन सभी सिचुएशंस में रख रहे हैं। अब जो अगला स्टेटमेंट है विच इज़ नोप, एक अनऑफिशियल सिचुएशन में बोला जा सकता है, जब आप किसी फ्रेंड से चैट कर रहे हैं या फिर आप अपने कलीग्स से बात कर रहे हैं और कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको रिफ्यूज़ करना है या आपको मना करना है, तो नोप। फिर नो वे या नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो भी उसी के डिफरेंट डिफरेंट यू नो तरीके हैं उसी सेम बात को बोलने के। नो थैंक्स एक अच्छा यू नो तरीका है रिफ्यूज़ करने का। फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कॉफ़ी ऑफ़र करी और आपको रिफ्यूज़ करना है, आपको मना करना है क्योंकि आपको पीने का मन नहीं है या वो वट एवर एक्स वाई सेड रीज़न है, आपको मना करना है, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं कि नो थैंक्स। अब यहाँ पर आपने नो भी बोला और थैंक्स भी बोला, और जो आपका एंड रिजल्ट बनकर आता है वो एक पोलाइट इम्पैक्ट बनता है कि ठीक है, मना कर दिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपने थैंक्स भी बोला। सो दैट इज़ अ पोलाइट वे, एक पोलाइट तरीका है अपनी बात कहने का। अब नेक्स्ट है सैडली बट नो। सैडली बट नो भी एक सिमिलर तरीका है, जैसे हमने चार स्टेटमेंट्स जो अभी डिस्कस करी उसी तरीकों से एक शॉर्टर बट एक अच्छा तरीका है रिफ्यूज़ करने का या मना करने का, सैडली बट नो, या फिर आई एम सॉरी आई कैंट भी एक अच्छा तरीका है। यू नो अगर आपको शॉर्टर स्टेटमेंट्स ज़्यादा बेहतर लगती हैं या कंपैटिबल लगती हैं अपने लिए फ़िलहाल के लिए, तो ये भी अच्छे तरीके हैं रिफ्यूज़ करने के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस कंटेंट। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से सारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे बोथ सिनेरियोज़ में कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ओके या फिर नो वर्ड को अपने यू नो सिचुएशन के हिसाब से, और एक इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैंने उन सबको कवर करने की कोशिश की। अगर आपके पास और भी सजेशंस हो या आपके पास और भी स्टेटमेंट्स हो जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, ताकि जो भी यू नो रीडर्स हो उन कमेंट्स के या व्यूअर्स हो वीडियो के, वो भी उनसे कुछ सीख सकें। एंड लेट्स लर्न टुगेदर। और अगर आपके पास कोई भी सजेशंस हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो जिसके हिसाब से आपको यू नो इंग्लिश बोलनी है इन फ्यूचर, एंड आप चाहते हो कि यू नो इन सिचुएशंस को हम इंग्लिश में कैसे यू नो इस्तेमाल कर सकते हैं या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन टू द कॉमेंट सेक्शन। आपके कॉमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ please 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 do comment and your views, your suggestions, whatever, so just let me know what you think, and yeah, let's learn together. Like, share and subscribe zarur karna, and let's meet next time. Goodbye.